नमस्कार। तो लगातार फ्लॉप होती हुई फिल्मों को देखकर कंगना रनौत शायद सदमे में आ गई हैं। अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को कंगना रनौत की तेजस मूवी आई थी और मूवी वही फ्लॉप हो चुकी है भाई, क्योंकि मूवी ने सिर्फ 2 दिन में अभी तक का कमाए हैं, एक आर्टिकल के हिसाब से देखिए आप लिखा रहा है 1.25 करोड़। ज़्यादा ज़्यादा आप इसको 1.5 करोड़ मान सकते हो। 1.5 करोड़ की अभी तक का उसने टोटल अर्निंग करी है। एंड जिसके बाद कल कंगना रनौत ने एक वीडियो डालते हुए हाथ जोड़ करके अपील करी कि उनकी मूवी जाकर के जरूर देखे भाई, इंसान मूवी देखेगा भाई, अगर मूवी उसको शानदार लगी तो यार मूवी क्यों नहीं देखेगा भाई, अगर मूवी अच्छी लगेगी तो बेशक जाकर देखेगा, और जब मूवी ही नहीं पसंद आएगी तो यार इंसान अपने पैसे क्यों खर्च करेगा, वो अपने पैसे सेव करेगा या फिर ऐसे मूवीज देखने में लगाएगा जो कि उसे पसंद ही नहीं आ रही है। एंड जिसके लिए भाई कंगना रनौत ने कल ऐसा लिखा, यहाँ तक कि कोविड से पहले भी नाटकीय दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट आ रही थी, कोविड के बाद यह गंभीर रूप से तेज हो गई है, कई थिएटर बंद हो रहे हैं और मुफ्त टिकट और कई उचित ऑफर के बाद भी दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट जारी है, लोगों से अनुरोध है कि वे सिनेमाघरों में फिल्में देखें और परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लें, अन्यथा हमें थिएटर टिक नहीं पाएंगे, धन्यवाद। तो बात रही भाई थिएटर गिरने की, सिनेमा हॉल बंद होने की, तो इसी साल आपको बताया कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में भी आई है, जवान, गदर 2, ड्रीम गर्ल 2, ऐसे करके यार बहुत सारी मूवीज आई हैं जो कि भाई सुपर हिट गई एकदम से भाई। ब्रह्मास्त्र, इन्होंने भाई एकदम से रैंकिंग पकड़ी है। और बात रही भाई थिएटर्स बंद होने की, तो ये मैं और आप सभी जानते हैं कि थिएटर्स तो भाई कभी बंद नहीं होंगे। एंड इसी के साथ भाई कंगना रनौत के सपोर्ट में एक ट्विटर पर अकाउंट है फिल्में बड़ी ने सपोर्ट करा कंगना रनौत का, एंड जिसको रिपोस्ट करते हुए फिर कंगना रनौत ने ऐसा लिखा, वे सभी जो मेरा बुरा चाह रहे हैं उनका जीवन सदैव दुखमय रहेगा क्योंकि उन्हें जीवन भर हर दिन मेरी महिमा देखनी होगी, चूंकि मैंने 15 वर्ष की आयु में बिना कुछ लिए घर छोड़ दिया था इसलिए मैं लगातार अपने भाग्य को संवार रही हूँ और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि महिला सशक्तिकरण और अपने देश भारत के लिए महत्वपूर्ण काम करने में मेरे भाग्य में है। उनके स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं उनसे मेरे फैन क्लबों में शामिल होने का अनुरोध करती हूँ, इस तरह वे बड़े सार्वभौमिक योजना के साथ जुड़ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे शुभचिंतक उनको प्रति दयालु हों और उन्हें रास्ता दिखाएं। तो भाई इस तरीके से भाई लिखती है कंगना रनौत। एंड कंगना रनौत ने जो ये वीडियो डाली थी और अपील करी थी लोगों से कि मूवी देखो, उसके रिप्लाई में भाई प्रकाश राज एक्टर हैं, उन्होंने ऐसा लिखा, भारत को अभी हाल ही में 2014 में आज़ादी मिली है, कृपया इंतजार करें, इसमें तेजी आएगी। #justasking एंड कंगना रनौत का पोस्ट उन्होंने रिपोस्ट कर।